गुड इवनिंग एवरीवन, हाय अमितन सिंह, कैसे हो? आई होप काफी अच्छे होगे और लाइक अब कहीं ना कहीं रिजल्ट का वेट बहुत चल रहा है। मतलब हर दिन एक हाथ दो मैसेज तो ऐसे मिलते ही है, चाहे मैं टेलीग्राम ग्रुप पे बात करूँ या मैं इंस्टाग्राम पे, कि भाई वैकेंसी बैंक ऑफ इंडिया कितनी बढ़ाने वाला है। पहली बात तो ये भाई कि बिल्कुल इतना पता नहीं है कि भैया, क्योंकि ये जो वैकेंसी अपडेट होती है ये एचओ में होगी, ऐसा थोड़ा कि हर किसी क्लरिकल स्टाफ या ऑफिसर आपको पता होगा। बट जितना मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, या जैसे हम लोग सुनते हैं बीएम वगैरह की बातें सुनते रहते हैं हम लोग अपने यहाँ चीफ मिनिस्टर की बातें, तो उससे एक आइडिया देखने मिल गया। जैसे मेरे टाइम में वैकेंसी कुछ नहीं थी, रिपोर्ट ही नहीं किया था बैंक ऑफ इंडिया, बट एकदम से 900 वैकेंसी डाल दी और महाराष्ट्र का कट ऑफ सीधा 42 पॉइंट समथिंग था 2019 के अंदर, और 2021 में मेरे टाइम पे ये कट ऑफ 38 चला गया था, जिससे भैया सिलेक्शन हो गया। लास्ट ईयर भी बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी अच्छी थी और महाराष्ट्र का कट ऑफ 34 के आसपास गया था, क्योंकि महाराष्ट्र की वैकेंसी काफी अच्छी थी। इस साल भी बहुत लोग पूछ रहे भाई कि कितनी। देखो भाई, अभी तक जो वैकेंसी रिपोर्ट हुई है और अपडेट होती रही, 1600 वैकेंसी पीएनबी ने बढ़ा दी, बैंक ऑफ इंडिया की और बढ़ी है वैकेंसी, तो ये वैकेंसी ऑब्वियसली बात है कि लास्ट ईयर से तो ज्यादा होने वाली है, तो ये चीज की कन्फर्मिटी है। अब भैया जैसे कि लास्ट ईयर से ज्यादा होगी तो एक चीज की तो गारंटी है कि कट ऑफ कम होगा, क्योंकि पेपर सुनने में मेरे को आया था कि एक अच्छे लेवल पे सेटअप किया गया था। आप लोग अपने अटेम्प्ट शेयर कर सकते हो कि आप लोग का कौन से स्टेट से था और आपको कैसा पेपर फील हुआ। बट जितना मेरे को नोन है या मेरे दोस्तों ने दिया था मेंस, तो मुझे उससे एक चीज आइडिया हो गई थी कि भाई अगर वैकेंसी बढ़ेगी तो कट ऑफ इससे भी कम होगा। बहुत लोग बोलेंगे नहीं नहीं आप तो सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हो। भाई मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, आप उठा के देख लेना एक तरीके, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इधर पीओ का भी यही हुआ कि पीओ का भी लेवल वैकेंसी बढ़ गई है और जो कट ऑफ था वो भी कम हुआ है और पेपर का काफी हाई था, इसलिए कट ऑफ भी काफी कम किया लास्ट ईयर के हिसाब से। इस बार मुझे फीलिंग आ रही महाराष्ट्र का जो कट ऑफ लास्ट टाइम 34 था, या तो वो 34 ही रह सकता है या 34 से प्लस माइनस 2 भी जा सकता है, 2 मार्क कम भी हो सकता, 32 मार्क भी जा सकता है जनरल का कट ऑफ, पॉसिबिलिटी इस चीज की भी है। तो ये चीज मत सोचना जिन लोग के अटेम्प्ट कम हुए या जिन लोग को लग रहा है कि भाई बहुत कम अपना पेपर गया, अच्छा नहीं गया, क्योंकि इस साल वैकेंसी अच्छी है और बढ़ेगी। अब बहुत लोग पूछे कि भाई मेरे सेट का, देखो भाई जो मुझे फीलिंग आ रही है इस बार, मैं ओवरऑल बताऊंगा एक एक स्टेट का कट ऑफ प्रिडिक्ट कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ महाराष्ट्र स्टेट अपना भाई अपन वहीं से देते हैं, तो मैं एक चीज बोलूंगा महाराष्ट्र की, भाई महाराष्ट्र या तो 34 ही रहेगा या 34 प्लस माइनस 2 करो, 32 से लेके 36 के बीच में महाराष्ट्र का स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट इसी रेंज में खेलेगा। तो जनरल वालों जो भी 32 से 36 के बीच में आएंगे सिलेक्शन लेके जाएंगे इस बार, क्योंकि भाई वैकेंसी उतनी है, अच्छी है। उसके अलावा बहुत लोग पूछ रहे कि भाई मेरा कट ऑफ कितना जाएगा, तो भाई एक मैं ओवरऑल रेंज बता देता हूँ, मुझे फीलिंग इसमें साउथ के स्टेट या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी इंक्लूडेड है, तो कट ऑफ वहाँ पे काफ़ी स्लाइटली कम रहता है बिकॉज वैकेंसी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, तो मुझे फीलिंग आ रही है। और इसमें यूपी जैसे स्टेट भी या वैकेंसी काफ़ी अच्छी होती है फिर भी कट ऑफ हाई रहता है, तो मुझे फीलिंग आ रही है जो महाराष्ट्र जो कट ऑफ होगा इट वुड बी अराउंड 32 प्लस माइनस 2 से 41 प्लस माइनस 2, मतलब ओवरऑल बोलूँ तो 30 से लेके 42 के बीच में रहेगा, 43 के बीच में। अब इसको आप डबल कर, ये 100 में से है, 200 में से करोगे तो इसको 60 से लेके 86 के बीच में जाएगा, ये ओवरऑल है। अब बहुत लोग बोलेंगे इतना तो हम भी बोल सकते थे, अगर इतना तुम बोल सकते हो फिर वीडियो का आपको देखने हैं, सीधी बात, ऑफेंड मत होना, बट जेन्युइनली बोल रहा हूँ इस बार कट ऑफ कम होगा क्योंकि वैकेंसी और बढ़ने वाली है। बाकी आई विल से ऑल द बेस्ट जो रिजल्ट आएगा उसके लिए, और न्यू नोटिफिकेशन आउट हो रहे हैं उसको ध्यान दो। बाकी अगर वीडियो सही है लाइक करना, शेयर करना, नए सब्सक्राइब करना। जय श्री राम, राम राम, राम।